स्टूडेंट्स, दहेज प्रथा के लास्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है डाउरी सिस्टम का, जिसमें अपन दहेज प्रथा का निराकरण या सुझाव, कुछ सुझाव भी देखेंगे. इरेडिकेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, फ्यू सजेशंस. इसमें अपन देखेंगे डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दे. इसके लिए निम्न अंकित, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिया है, कारण निम्न अंकित हो सकते. एक फर्स्ट है स्त्री शिक्षा. स्त्री शिक्षा का अधिक प्रसार किया जाए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगे, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो तथा इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहे. सेकंड पॉइंट देखना, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता. यदि लड़के व लड़कियों को अपने जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो दहेज प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, अंतरजातीय विवाह. अंतरजातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत हो जाता है. परिणाम स्वरूप यह होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी. लड़कियों को स्वावलंबी बनाया जाए. जब लड़की पढ़ लिख कर स्वयं अपने कमाने लगेगी तो योग्य वरों की कमी दूर हो जाएगी. उसके लिए इसके लिए अलग अलग टाइप की प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी. फलस्वरूप दहेज भी घट जाएगा. यह प्रयास यह किया जाता है कि ये ज़्यादा दहेज ले रहा है, वो उनके घर में ज़्यादा दहेज आ रहा है, इनके घर में दहेज ज़्यादा आ रहा है. ये सारे प्रतियोगिताएँ ख़त्म हो जाएंगे, या उनको कम दे, इनको कम, ये कम मांग रहे, वो कम मांग रहे, ये जो बातें हैं ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है समाज से. नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ जनमत. दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए, लोगों में जागरूकति पैदा की जाए ताकि वे दहेज का विरोध करें. इसके लिए अधिक प्रचार एवं प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए. सिक्स पॉइंट, युवा आंदोलन. दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवा स्वयं संगठित होकर इसका विरोध करें. इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है. सेवेंथ पॉइंट, दहेज विरोधी कानून. दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाया जाए, उनका दृढ़ता से पालन किया जाए तथा उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.
वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू है, जिसका उल्लेख अपन यहाँ पे कर रहे हैं इस पाठ में। सरकारी प्रयत्न दहेज निरोधक अधिनियम 1961, इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपन यहाँ चर्चा करेंगे। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार की है। फर्स्ट, विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। नेक्स्ट, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज लेने व देने वाला वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्तियों को 6 माह तक की जेल और 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। फिफ्थ पॉइंट, विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी की अधिकार होगा। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि में ही की जाना चाहिए। किंतु इस अधिनियम में कई कमियां थी जो बाद में दूर कर दी गई। दहेज संबंधी संशोधित कानून के अनुसार अपराधी को वर वधु या उसके अभिभावक से दहेज मांगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये का दहेज या दहेज के मूल्य के बराबर की राशि का जुर्माना किया जा सकता है। इसके लास्ट पार्ट में अपन दहेज अधिनियम की असफलता के कारण देखेंगे। इस अधिनियम की कमियां इस प्रकार के हैं। फर्स्ट देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि कौन सी वस्तुएं उपहार के रूप में और कौन सी दहेज के रूप में दी गई है। वर और वधु पक्ष कानून के शिकंजे से बचने के लिए सभी वस्तुओं को उपहार या भेंट कहेंगे, ना कि दहेज। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध केवल उसी समय कोई कार्यवाही की जा सकती है जब शिकायत लिखित में पेश होगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, पुलिस या अदालत इस कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध केवल उसी समय कार्यवाही कर सकते हैं जब लिखित में शिकायत आएगा। 1 वर्ष बीत जाने के बाद अदालत इस प्रकार की शिकायतों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इसमें दंड की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।
प्रचार प्रसार के अभाव के कारण कई लोगों को इस अधिनियम की जानकारी नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम को और अधिक ठोस बनाने दहेज के लेन व देन को अपराधी की श्रेणी में लाने के लिए, ताकि पुलिस या अदालत स्वयं ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके तथा दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन की गई। अब यह अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित एमेंडेड अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के कारावास और ₹15,000 जुर्माना का दंड देने का प्रावधान है। ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होगी। तो ये संशोधित भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ अपना दहेज प्रथा का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया है।